नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैब के बारे में। जी हां, नागरिकता संशोधन नीति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आसान भाषा में। इसको हिंदी में हम समझते हैं, ये बिल क्या है, इस बिल का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इतना विरोध क्यों हो रहा है, और इस बिल की मुख्य नीतियाँ क्या हैं, और इस बिल में क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप स्पोकन इंग्लिश या फिर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th 12th में हैं और आप संस्कृत आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो का मुख्य टॉपिक, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। जी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न या इसको परसिक्यूट कहते हैं। परसिक्यूट मतलब जो होता है कि जो किसी अपनी धार्म, मतलब जिसको कोई प्रताड़ित करे, तो इनमें कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी के जो 6 धर्म हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसे शरणार्थी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है तो उनको भारत की सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें क्या रहेगा, इसमें ये चीज़ रहेगी, पहले क्या होता था, पहले जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल 1955 था उसमें ये था कि पहले 11 साल रहना पड़ता था। जैसे अगर किसी व्यक्ति को देश की नागरिकता चाहिए, हमारे भारत देश की नागरिकता चाहिए, तो उसको 11 साल देश में रहना पड़ेगा तब जाकर उसको नागरिकता मिलेगी। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें उन्होंने 5 साल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो 31 दिसंबर 2014 को जो हमारे देश में एंटर कर गए तो वो लोग, ऑब्वियस सी बात है अभी 2019 चल रहा था, 5 साल हो गए तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कैब क्या है। कैब सिटीजन अमेंडमेंट नागरिकता बिल में ये प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंटर कर गया था, प्रवेश कर गया था, जो भारत, जो कौन से देश के हों, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, ये तीनों कंट्री के अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक में कौन, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जो 6 धर्म के लोग हैं जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण छोड़कर भारत देश में आए, जो भारत मूल के ही लोग हैं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। पहले क्या होता था, पहले 11 साल उसको इस देश में रहना पड़ता था, इसके बाद वो आवेदन कर सकते थे नागरिकता के लिए। बट अब ये रूल चेंज करके उन्होंने 5 साल का कर दिया, लेकिन वो 11 साल का भी अभी है। अगर कोई मुस्लिम भारत, अगर कोई पाकिस्तान का कोई मुस्लिम इंडिया में आता है तो उसको 11 साल हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा, 11 साल हिंदुस्तान में रहेगा तो वो भी आपके नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अब ये जो बिल कहाँ लागू नहीं होगा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये उत्तर पूर्व के जो राज्यों में ये विधेयक लागू नहीं होगा वो कौन कौन से राज्य, उनको ध्यान से सुनिएगा। वो राज्य आपके एक्चुअल में क्या है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी घुसपैठ या कोई भी अदर लोग हमारे स्टेट में आएँ और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो भाषा है उसको डाइल्यूट करें, उसमें मिक्सअप हो जाएं, जिससे कि उनका कल्चर, उनकी भाषा को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए वो उनको प्रिजर्व करने के कारण, उनको संरक्षित करने के कारण ये विधेयक में उनको दिया गया, उनको ये संवैधानिक तरीके से उनको कह दिया गया है कि आप लोगों पर ये कानून लागू नहीं होगा। जैसे इनमें कौन कौन है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये जो राज्य हैं इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सारे एरिए में टोटल आपके कौन कौन से हैं, जो 6th शेड्यूल में आते हैं, जो 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये जो आते हैं इनको यहाँ पर ये वाला जो बिल है, कैब बिल है, वो वहाँ पर लागू नहीं होगा। इसके बाद जहाँ पर वेस्टर्न, ईस्टर्न बंगाल में देखा जाए तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इस एरिए में भी जहाँ पर इनर लाइन परमिट जहाँ पर लागू है वहाँ पर भी ये बिल पारित नहीं होगा। अब ये आपका इनर लाइन परमिट का, इनर लाइन परमिट ये होता है कि इसमें ये है कि अगर जो भी भारत का व्यक्ति है जिसको यहाँ पर जाना है तो वो सरकार से वहाँ पर एक परमिट बनवाएगा कि भाई आप क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कितने दिन रुकोगे, क्या करोगे। जैसे आप 15 दिन के लिए जा रहे हो, 20 दिन के लिए जा रहे हो, 6 महीने के लिए जा रहे हो, वैसे तो बेसिकली 6 महीने के लिए ही बनता है, फिर 6 महीने के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो इन जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर आपका ये बिल लागू नहीं होता है।
अब यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इसके जो क्या इसकी प्रॉब्लम है, क्या इसकी परेशानी है, क्या दिक्कत है कि इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। तो पहली चीज़ प्रोटेस्ट करने की है कि यहाँ पर धार्मिक के इस धार्मिक बेस बनाकर इस बिल को लागू करा गया है। ये इंडिया में पहली बार कोई ऐसा बिल लागू हुआ है जो धार्मिकता को लेकर लागू हुआ है, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें हिंदू है, सब तरह के धर्म है, बट मुस्लिम धर्म नहीं है। लेकिन कहा जाए कि धार्मिक उत्पीड़न या प्रताड़ना को आप अगर बेस लेके चल रहे हो, तो और भी कंट्रीज़ हैं जहां पर धार्मिकता को लेकर उन पर प्रताड़ित किया जाता है उनको, तो उनको शामिल क्यों नहीं करा गया। यहां पर सिर्फ भारत ने सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया गया, लेकिन इसमें ना उन्होंने अपने पड़ोसी देश ना श्रीलंका को शामिल नहीं किया, भूटान को शामिल नहीं किया, नेपाल को भी शामिल नहीं किया हुआ है जहाँ पर भी धार्मिक प्रताड़ना के चीज़ें आती है, म्यांमार को भी शामिल नहीं किया हुआ है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे श्रीलंका में जो तमिल हैं, श्रीलंका में जो तमिल हैं वो बेसिकली वो इंडिया के ही हैं, वो हिंदू कैटेगरी के आते हैं, तो वहाँ पर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उनके लिए भी कोई खास लागू नहीं है। बांग्लादेश में जो एथिस्ट हैं, नास्तिक लोग हैं, उनको उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान जो अहमदिया ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको वहाँ पर मुस्लिम ही नहीं माना जाता, तो उन्हें भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो उनके लिए भी कोई बिल में कोई बात नहीं है। और उसी तरीके से तिब्बत में भी जहाँ पर बौद्ध लोग हैं, जिनको चाइना ने जब उस पर जब से उस पर कंट्रोल किया है, तो वहाँ पर भी बौद्ध लोगों का माइग्रेशन तो हो चुका है, लेकिन बहुत लोगों को फिर भी इक्का दुक्का लोग आते रहे, तो उनके लिए भी कोई बात नहीं की गई है। नेपाल में भी मधेशी एक हिंदू लोग होते हैं, बट उनको भी लेकर सरकार उनको प्रताड़ित करती रहती, तो उनको लेकर भी कोई बिल नहीं बनाया गया है। तो बेसिकली ये था चीज़ कि जहाँ पर आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ तीन ही कंट्री क्यों रखी, बाकी और जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनको क्यों नहीं रखा है, और उनमें भी अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जो प्रताड़ धार्मिकता को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है उन पर भी आपने विशेष ध्यान नहीं दिया है। अब साथ में एक और बात ये आ रही है कि यहाँ पर आपने मुस्लिम समुदाय को भी इसमें आपने मुस्लिम समुदाय के बारे में भी नहीं सोचा, और मुस्लिम समुदाय को भी यहाँ पर प्रताड़ित धार्मिकता को लेकर किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान अहमदिया जो मुस्लिम होते हैं उनको मुस्लिम ही नहीं मानते, तो वो लोग भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर म्यांमार में जो रोहानिया मुस्लिम है, रोहानिया मुस्लिम्स को भी इंडिया में एंट्री के लिए कोई बिल में कोई बात जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब इसके बाद ये तो प्रोटेस्ट की बात हो गई, दूसरा प्रोटेस्ट की बात ये है कि जो पूर्वोत्तर जो जिले, पूर्वांचल जिले जो, पूर्वांचल प्रदेश जो है उनमें क्यों उनका प्रोटेस्ट हो रहा है। तो पूर्वांचल के जितने भी, मैंने आपको बताया कि असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, जितने भी ये जो 6 के 6-7 स्टेट हैं, इनमें क्या है कि ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो हमारी जो संस्कृति, हमारी कल्चर है, हमारी भाषा है, इनमें कोई डाइल्यूशन ना हो, कोई मिक्सअप ना हो। तो सरकार ने इनको पूर्व तरीके से, पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया हुआ है कि आपके भले ही लोग आएँ, लेकिन आपके स्टेट में हम उनको नहीं रखेंगे ना आपके स्टेट में आएंगे। लेकिन उनका मानना है कि इतने सारे लोग जब आएंगे तो वो कहीं जाएंगे, वो तो हमारे स्टेट में ही आएंगे, तो चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हम उनको यहाँ पर नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी इसका यहाँ पर पूर्वांचल में लेकर ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, मैंने जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाया समझाने के लिए आपको मैंने समझा दिया है। तो अगर इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जैसे कि जो मुस्लिम है और भी जो लोग हैं उनको, जैसे पहला जो रूल था जो 11 साल का, वो रूल फॉलो करना है। जो बाकी के जितने भी मुस्लिम्स को छोड़ के जितने भी धर्म के लोग हैं उनको मात्र 5 साल अपने रहना है, लेकिन बाकी के जितने भी धर्म के लोग हैं, बाकी जो मुस्लिम हैं विशेषकर, अगर वो लोग भारत की नागरिकता चाहते तो उनको 11 साल रहना पड़ेगा, उनको प्राकृतिकरण उनका होना है, प्राकृतिकरण जो 11 साल उनको यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए उनको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन न हो पाना और कोई बिजनेस ना कर पाना, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपकी उस बिल में रहेंगी, तो वो सभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसलिए उसका कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। इस बिल में एक और चीज़ बताने वाले, जितने भी भारतीय जो मूल जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई लोग हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जितने भी लोगों ने यहाँ पर माइग्रेट किया, चाहे वो इलीगल तरीके से किया हो, चाहे कैसे भी किया हो, उन पर जितने भी चीज़ें वो सब वैलिड हो जाएंगी और उनको यहाँ की भारत की प्रॉपर नागरिकता मिल जाएगी, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंटर किए होंगे। तो होप यू गाइस आपको ये सिटीजनशिप बिल आपको समझ में आओगे कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अब आप अपनी राय इस पर रख सकते हैं कि आपको ये इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, आप लोगों को समर्थन करना चाहिए, आपकी अपनी खुद की सोच है, समझ है। तो
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।